सो वेलकम बैक गाइस। तो आ गए हम एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लेके आए सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए का एक स्मार्टफोन। जी हाँ, आप इधर देख सकते हैं, ये है ओप्पो एप 3 जो कि हमने ऑर्डर किया है कैसीफाई सुपरसेल ऐप से ग्रेड ई में। तो ग्रेड ई में आपको बता होगा, ग्रेड ई में रिटर्न पॉलिसी नहीं होती एंड उधर बहुत ही चीपेस्ट में फ़ोन मिलते हैं। बट उसमें क्या होता है गाइस कि आपको फुल्ली रिपेयर्ड फोन मिलते हैं, रिपेयर किए गए फोन होते हैं एंड आपको बहुत सारे फंक्शनल डिफेक्ट भी आ सकती है फोन के अंदर। तो हम देखने वाले कि ये जो 1500 रुपए का स्मार्टफोन है ओप्पो एप 3 जिसका 4GB रैम है और 64GB स्टोरेज है, इसको हम गाइस ऑर्डर करने वाले हैं। इसका रियल प्राइस है 1520 रुपए एंड COD लगा के ये कुछ 1600 में पड़ रहा था। बट हमने ये ऑर्डर किया है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे ऑर्डर करवाया था जो कि यूट्यूब से आए हुए, तो ये वाले हमारे भाई सब्सक्राइबर, इन्होंने हमसे ये फोन ऑर्डर करवाया था एंड मैंने उनको डिस्काउंट दिया क्योंकि इन्होंने ये फोन मुझे रिव्यू के लिए दिया, प्रीपेड एंड रिव्यू ऑर्डर करवाया है। तो मैंने उनको बोला कि आप सिर्फ इतना पेमेंट कर दीजिए 1499 रुपये। आप देख सकते हैं उन्होंने मुझे 1499 रुपये पेमेंट कर दिया है एंड इन्होंने मुझसे दो फोन ऑर्डर करवाए हैं, एक और सैमसंग का भी फोन करवाया है, ये वाला सैमसंग गैलेक्सी M31S जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोनों पीस मैं उनको भिजवाऊंगा गाइस एंड चलिए जाते हैं एप्लीकेशन में। तो ये वाला फोन गाइस आज हम उनके लिए ऑर्डर करेंगे एंड इसका पूरा टेस्ट करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे एंड इसके अंदर गाइस हम फ्री फायर भी खेलने वाले हैं। देखने वाले हैं कि इस 1500 रुपए वाले स्मार्टफोन के अंदर हम फ्री फायर खेल सकते हैं या फिर नहीं खेल सकते। एंड गाइस इंटरेस्टिंग बात एक और है कि आज की गाइस इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ गिव अवे। देख सकते हैं गिव अवे के लिए मैंने बहुत सारी आइटम्स मंगाई है, बहुत सारे एडॉप्स है, वॉट के है, नंबर्स के है एंड एक हेडफोन भी है गाइस। तो पार्टिसिपेट करने के लिए गाइस आपको कुछ भी नहीं करना, इस वाली वीडियो में बस अच्छी अच्छी कमेंट करनी है एंड इस वाली वीडियो में जो भी फर्स्ट कमेंट करेगा उनको भी मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा वॉट का एडॉप्स। बट हाँ, कमेंट में बस आपको हाई नहीं लिखना, एक अच्छी लाइन लिखनी है एंड आपका नीचे इंस्टा आईडी लिखना है, ठीक है। तो बस ऐसे ही मत लिख देना कि फर्स्ट कमेंट या फिर कुछ स्टिकर, ऐसा मत कर देना, एक पूरा लाइन लिखना एंड नीचे आपका इंस्टा आईडी लिखना। जिसका भी फैल होगा इतना चीज उनको मैं पिन कर दूंगा एंड बिल्कुल फ्री में दूंगा ये बॉट का एडॉप्स, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए एंड चले गाइस करते इसकी अनबॉक्सिंग एंड हाँ, आपको भी ऐसे चीपेस्ट में आईफोन्स एंड एंड्रॉइड फोन ऑर्डर करवाने हैं तो हमारा नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे एक आपको वीडियो भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हाउ टू ऑर्डर का, वो आप देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप भी कैसीफाई सुपरसेल ऐप से ऐसे सस्ते में आईफोन्स एंड एंड्रॉइड फोन कैसे बाय कर सकते हैं, ठीक। चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। फाइनली गाइस डिलीवर्ड हो गया, निकालते इसको। ओके गाइस, तो बॉक्स हमने ओपन कर लिया है एंड पहले जो नज़र पड़ती हुई हमारी डिवाइस के ऊपर ही पड़ा है, आई थिंक वाइट कलर का ये फ़ोन हमको रिसीव हुआ है या फिर बिल है, पता नहीं। बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है तो बबल रैप्स के अंदर ही बिल होगा हमारा। चले बिल को निकालेंगे पहले एंड देखते हैं। सेकेंड हैंड ओप्पो एप 3 4 64GB। चले बिल को रखते हैं साइड पे एंड निकालते हमारे 1500 रुपये वाले डिवाइस को। ओके गाइस, तो ये रहा उन्हें और राइट। ओके गाइस, तो 1500 रुपये का स्मार्टफोन ग्रेड ई का कुछ इस कंडीशन में हमको मिला है गाइस। पहले तो फ्रंट में डिस्प्ले के अंदर हमको एक क्रैक देखने को मिला है, आप इधर देख सकते हैं एंड गाइस बात करें बैक पैनल की तो 1, 2 एंड 3। तो गाइस देख सकते हैं बैक के ऊपर गाइस टूटा फूटा ओके नहीं है, ओप्पो लिखा हुआ है। बॉडी के ऊपर आपको बहुत सारे स्क्रैचेस एंड कलर निकले हुए देखने को मिल जाएंगे। कैमरा लेंस में डस्ट वगैरह है थोड़ा बहुत एंड गाइस बात करें इसकी कंडीशन पूरी फ्रेम बाय फ्रेम, तो नीचे बॉटम एरिया में गाइस देखो फ्रेम के ऊपर बहुत सारे कलर निकला हुआ एंड गाइस ये देखिए ये चीज़ देखो ग्रेड ई में आपको ये चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी। आप देखो तो ये जो डिस्प्ले है पूरा चिपकाया हुआ है, पूरा ग्लू देखने को मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं बहुत सारा ये स्क्रीन भी चिपकाया हुआ है एंड ये पैनल भी पीछे का चिपकाया हुआ है, देख सकते हैं ब्लैक कलर का पूरा ग्लू बाहर आ गया है एंड इसको पूरा ऐसे बहुत घिसा पीटा लग रहा है, देख सकते हैं मतलब कि इसको हैवी टूल से खोला गया होगा इस फोन को एंड बार बार इसको रिपेयर किया गया होगा। तो ग्रेड ई में गाइस आपको ऐसे ही फोन देखने को मिलेंगे, फुल्ली रिपेयर्ड फोन देखने को मिलेंगे। सिम ट्रे ब्रोकन है बट सिम वर्क करेगा शायद या फिर पता नहीं। बटन पावर बटन प्रेस हो रहा है, वॉल्यूम अप डाउन बटन ये भी प्रेस हो रहा है। बाकी गाइस देख सकते हैं गाइस 1500 रुपये में गाइस आपको ऐसे ही कंडीशन देखने को मिलेगी ग्रेड ई के फोन की। बट गाइस हमको फोन के अंदर की कंडीशन देखनी कैसी है। पावर बटन हम प्रेस करते हैं, देखो डिस्प्ले तो 100% कॉपी होगा क्योंकि ग्रेड ई में डिस्प्ले कॉपी ही रहता है मोस्टली, बट हमको डिस्प्ले क्वालिटी देखनी है। ओप्पो लिखा आ गया है, कुछ स्पॉट है या फिर लाइन लिक्विड इशू ऐसा कुछ हमको फिलहाल तो देखने को नहीं मिला एंड फोन हमारा बूट हो रहा है। इधर भी पूरा ग्लू बाहर निकला हुआ ऐसा मुझे लग रहा है, देख सकते हैं तो शायद ये भी खराब हो सकता है। एंड गाइस ग्रेड ई में ये जो स्टिकर एंड बारकोड जो लगे होते हैं आपको पॉलिसी बता होगा कि स्टिकर एंड बारकोड हटाने पर जरा सा भी छेड़छाड़ हम करते हैं तो रिटर्न नहीं होता कैसे भाई सुपरसेल ऐप में। बट अगर आप ग्रेड ई में ऑर्डर करते हो तो ये स्टिकर एंड बारकोड का कुछ भी मतलब नहीं होता क्योंकि ग्रेड ई में रिटर्न पॉलिसी वैसे भी नहीं होती, पर के ग्रेड्स होते हैं उसमें आपको रिटर्न पॉलिसी मिल जाती है, ठीक है। बेटा ग्रेड ई में फोन डेट तो नहीं होते तो ये फोन भी हमारा ऑन हो जाएगा। चलिए ऑन करते हैं, पावर बटन हम प्रेस करते हैं, देख सकते हैं फोन हमारा बूट हो गया है ऑलरेडी। एंड गाइस पहले तो बात करें इसकी स्क्रीन की, तो देखो ग्रेड ई का फोन है, स्क्रीन गाइस आई थिंक हमको डिस्प्ले 100% ओरिजिनल मिला है, देख सकते हैं
बहुत ही मस्त है स्क्रीन का क्वालिटी इस फोन को। गाइस मैंने चलाया था, ये बहुत पुराना फोन है, पहला मेरा फर्स्ट फोन भी आई थिंक यही था। मैंने भी गाइस उस टाइम ये फोन सेकंड हैंड बाय किया था। एंड जी हाँ, डिस्प्ले इसका ओरिजिनल है। ब्राइटनेस लेवल की बात करें तो देख सकते हैं ब्राइटनेस लेवल भी अभी गाइस ये आप आउटडोर में देख रहे हो एंड बहुत अच्छा है। एंड गाइस टच रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं, ओके है। अगर आप कॉपी स्क्रीन ऑर्डर करते हो, एक मिनट, मेरे पास एक कॉपी स्क्रीन का फोन है गाइस, ये ग्रेड सी माइनस का फोन है कॉपी स्क्रीन का। तो हमने कॉपी स्क्रीन ऑर्डर किया था, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या होता है। तो आप देखो, तो मैं दोनों में स्लाइड कर रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ना गाइस वाले फोन में फास्ट होगा एंड इसमें थोड़ा स्लो होगा, देख सकते देखना। क्योंकि गाइस क्या है ना, कॉपी स्क्रीन में आपको टच डिस्प्ले में थोड़ा डिले देखने को मिलता है, बट अगर आपका स्क्रीन ओरिजिनल होता है, ओके होता है, तो आपको डिले देखने को नहीं मिलता, जैसा कि इस वाले फोन में हमको डिले देखने को नहीं मिल रहा। बट हाँ, 4 GB रैम का फोन है, तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत लैग होगा, तो सब कुछ हम टेस्ट करेंगे। फिर हम इसके अंदर क्या फंक्शनल डिफेक्ट वो भी हम देख लेते हैं। तो पहले तो गाइस इसके अंदर फ्लैश लाइट वर्किंग है, पावर बटन ये तो वर्किंग ही है, वॉल्यूम अप डाउन बटन तो ये भी वर्किंग है, ऑटो ब्राइटनेस की वजह से ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम हो रहा है, मैं ऑफ कर लेता हूँ, चलिए। एंड गाइस टच डिस्प्ले आप देख सकते हैं सभी जगह पे टच हो रहा है, हम ऐसे पूरा कोना टू कोना भी देख लेते हैं, तो देख सकते हैं पूरा स्मूथ वर्क कर रहा है। तो गाइस डिस्प्ले ग्रेड ई के फोन के मुताबिक गाइस डिस्प्ले हमको बहुत ही अच्छी मिली है। मोस्टली हमको ग्रेड ई में कॉपी डिस्प्ले मिलता है, बट इस बार हमको डिस्प्ले ओरिजिनल मिला है एंड बहुत ही अच्छा डिस्प्ले मिला है, देख सकते हैं इस ओप्पो के 1500 रुपये वाले फोन के अंदर। मेन चीज हम अभी देख लेते हैं इस फोन का कैमरा। तो कहते फ्रंट कैमरा इसका वर्किंग है, बट हमको देखना है रियर कैमरा। तो गाइस रियर कैमरा भी वर्किंग है, बट इसका क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा आई थिंक। चले आउटडोर में जाके मैं कुछ फोटो सैंपल एंड वीडियो सैंपल लेके आता हूँ। ओके गाइस एक मिनट, ये क्या है? अरे गाइस ओके, बता नहीं ये फोटो कहाँ से आई इस फोन के अंदर। रुके मैं गैलरी ओपन करता हूँ। एंड गाइस ओके, देख सकते ये वाला बटन इसका प्रेस नहीं हो रहा, ये वाला बटन इसका वर्किंग नहीं है, इससे जाम हो गया है। तो ये एक हमको डिफरेंट देखने को मिला है, इसका जो होम बटन है ये वर्क नहीं करेगा, बट ये रिसेंट पेज वाला बटन ये ओपन ये वर्क कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो ये दोनों बटन से काम हो जाएगा, बट ये वाला बटन काम नहीं करेगा। एंड अभी भी हमने कुछ देखा था, कुछ फोटोज़ थे यार। ओके गाइस, तो बता नहीं ये फोटोज़ कहाँ से आई। तो इस फोन के अंदर गाइस बहुत सारे फोटोज़ है, सिस्टर का फोटोज है, बहुत सारी फोटोज है गाइस। तो आई थिंक गाइस ये जो फोन के असली ओनर होंगे, ये किसी सिस्टर का फोन होगा, तो इन्होंने शायद फोटोज़ को डिलीट नहीं किया होगा, या फिर बता नहीं कुछ ऑटोमेटिक वापस रिकवर फोटोज़ हो गए होंगे, तो वो तो मैं डिलीट कर दूंगा अभी, सारा क्लियर करके ही भेजूंगा हमारे सब्सक्राइबर को। बाकी चले आउटडोर में जाकर मैं फोटो सैंपल लिखा था उस फोन का। ऑलराइट गाइस, तो देखा आपने 1500 रुपये वाले फोन का कैमरा। चले गाइस अभी मैं इस फोन को थोड़ा चला लेता हूँ, थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं सिम लगा लेता हूँ एंड कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ, फ्री फायर वगैरह। तो चले मिलते हैं 2 मिनट गाइस। तो मैंने इस फोन को पूरा सेटअप कर लिया, सब कुछ हमने डाउनलोड कर लिया है, देख सकते मैंने अपडेट भी कर लिया गाइस। पहले तो ना ये फोन ओल्ड सॉफ्टवेयर पर अपडेट था, मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट करके सारा कुछ अपडेट कर दिया, अभी प्ले स्टोर से मैं सब कुछ डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं गाइस मैंने इसके अंदर ना फ्री फायर इंस्टॉल किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मैंने फ्री फायर डाउनलोड किया, तो अभी फ्री फायर हम टेस्ट करने वाले। लेकिन उससे पहले गाइस मैंने इसके अंदर यूट्यूब भी अपडेट कर लिया, तो यूट्यूब चला के देख लेते इसका स्पीकर वगैरह काम करता नहीं करता एंड यूट्यूब कैसे चलता है, वो देख सकते हैं। यूट्यूब तो ओपन हो गया है, मैं शॉर्ट वीडियो प्ले करता हूँ, तो देख सकते हैं गाइस स्पीकर तो लाउड है। ओ जादू है रे जादू, तेरी बातों में रेड। तो गाइस देख सकते हैं स्पीकर इसका लाउड है एंड सही से वर्क कर रहा है, क्लियर है, स्पीकर क्वालिटी खराब नहीं है। एंड गाइस मैं शॉर्ट चला रहा हूँ, तो देख सकते हैं शॉर्ट आप स्क्रॉल करोगे थोड़ा बहुत ऐसा जिटर आपको फील होगा, बाकी तो ओके है, ज़्यादा लैग नहीं हो रहा, 4 GB रैम के हिसाब से गाइस ओके चल रहा है, ओके ओके ठीक ठाक है, ठीक है। चले गाइस अभी मेन चीज़ हम इस फोन का देख लेते हैं, इसके अंदर हम फ्री फायर खेल सकते हैं या फिर नहीं खेल सकते। चले मैं फ्री फायर ओपन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं इस 1500 रुपये वाले फ़ोन के अंदर गेम स्टार्ट हो गया है फ्री फायर। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं फ्री फायर हम बिल्कुल इजीली खेल पाएंगे इस 4 GB रैम वाले ओप्पो F3 फोन के अंदर, लैग नहीं हो रहा, बट अगर हाँ ज़्यादा ओवर गेम करोगे तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी तो अगर नॉर्मल गेम प्ले करना है तो आप कर पाएंगे। मुझे थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा था इसलिए मैंने भी नहीं खेलने वाला। बाकी गाइस बड़ी बात यह है कि गाइस इस ओप्पो वाले फोन के अंदर मैं गेम कर रहा हूँ, बट ये फोन अगर हीट नहीं हुआ, जी हाँ हीट भी नहीं हुआ, प्लस इसका देख सकते चार्ज चार्ज भी अभी अच्छा खासा चल रहा है, मतलब कि बैटरी में
बैटरी में गैस दिक्कत नहीं इस ओप्पो वाले फोन के अंदर, जो कि बहुत सही बात है। लेकिन गैस अभी हम इस फोन के अंदर टेस्ट करने वाले जो कि मेन चीज रहने वाला है सिम कार्ड, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं सिम कार्ड पूरा इधर से ब्रोकन है, तो वो हम देखने वाले कि वो वर्क करता नहीं करता। चलिए मैं सिम टेस्ट कर लेता हूँ, जियो 4G आता है या फिर नहीं आता। एंड सिम ट्रे गैस देखो बाहर से तो ब्रोकन है, बट अंदर से गैस सिम ट्रे ओके है। आप देखोगे तो सिम हमने डाल दिया है, अभी नेटवर्क आता नहीं आता वो हमें देखना है। देख सकते हैं नेटवर्क आ गया है, जियो 4G लिखा आ भी गया है, मतलब कि इसके अंदर गए सिम तो चल जाएगा 4G, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्रॉक्सिमिटी सेंसर में चेक करना भूल गया था, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। बट गए प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है, देख सकते हैं, तो ये भी वर्क नहीं कर रहा है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो गैस ग्रेड इमेज के 3-4 डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकती है, वो फिर आपको गैस रिपेयर ही कराना पड़ेगा, आप रिटर्न नहीं करा सकते गैस। तो आई थिंक हमने सब कुछ टेस्ट कर लिया इस 1500 रुपये वाले फोन के अंदर। गैस आप फ्री फायर खेल सकते हो, डिस्प्ले हमको ओरिजिनल मिला है, अगर आप चला सकते हो जियो का सिम चल जाएगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी आपका चल जाएगा। भाई गैस कंडीशन की बात करें तो ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है ग्रेड इमेज, अगर आप कोई ऐसा सस्ता फोन ढूंढ रहे हो 1500 1500 1400 रुपये में आप कोई फोन बाय कर रहे हो, तो आपका ऐसा फोन आ सकता है कैसे। मैंने एक और भी फोन ऑर्डर किया 1600 रुपये का, एक हॉनर का फोन है, वो भी बहुत जल्द आने वाला है, उसका भी मैं अनबॉक्सिंग वीडियो लाने वाला हूं गाइस। एंड चलिए अभी वक्त आ गया इस फोन को भिजवाने का हमारे सब्सक्राइबर के पास। तो गाइस हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने हमसे 2 फोन ऑर्डर करवाया था, एक ये भी वाला भी करवाया था, तो दोनों एक साथ में उनको भिजाऊंगा। दोनों फोन के ऊपर मैंने उनको डिस्काउंट दिया था, प्लस गाइस 2 फोन ऑर्डर करने पर मैंने उनको एक मेरी ओर से मैं गिफ्ट दे रहा हूँ गाइस। गिफ्ट में उनको मिलने वाला बिल्कुल फ्री में ये सील पैक एयरडॉप्स 131 जो कि रहने वाला है बॉट का, इस जो कि आपको इसके ऊपर 6 मंथ का वारंटी भी मिल जाएगा, तो ये भी मैं बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। तो चलिए इन तीनों चीजों को मैं फटाफट से पैक कर लेता हूँ इस बॉक्स के अंदर, जैसे ये फोन आया था हमारे पास बिल्कुल वैसे ही मैं फोन को भिजवा दूंगा, दोनों फोन एक ही साथ एक ही बॉक्स में उनका लेबल लगा के। तो चलिए मैं फटाफट से पैक कर लेता हूँ, लेकिन हाँ उससे पहले मेरा सिम निकालना पड़ेगा। आपको भी ऐसे सस्ते में फोन ऑर्डर करवाने हैं हमारे एड्रेस पे ऑर्डर करवाना है या फिर डायरेक्ट आपके एड्रेस पे हो जाएगा, नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको एड्रेस वगैरह जितने हैं अभी आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे पूरा बॉक्स पड़ा है, बॉक्स भर भर के माल, इन सभी का मैं गैस गिवअवे करने वाला हूँ। एंड अभी गैस आज की एक पिछले वाले वीडियो में गिव विनर बने थे उनको मैं दे रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री में ये हेडफोन, उन्होंने फर्स्ट कमेंट किया था, इसको मैं फटाफट से पैक कर लेता हूँ। मैं इसको रख दिया है, अभी हम दोनों डिवाइस को इधर रख देंगे एंड इसके ऊपर थोड़ा सेफ्टी के लिए बबल रैप्स रखना पड़ेगा मुझे।